नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक बहुत ही खास बात करना चाहते हैं और वो बात है भारत के पहले सैटेलाइट चैनल जी टीवी के बारे में। जी टीवी असल में भारत का ही पर्याय है। जी टीवी भारत का भरोसा है और पूरी दुनिया में हर भारतीय का अपना चैनल है। आप में से बहुत सारे लोग, आपके माता पिता और शायद उनके माता पिता भी जी टीवी देखते हुए ही बड़े हुए हैं। जी टीवी ने पिछले 29 वर्षों में हमें हंसाया है, हमें रुलाया है, संस्कार दिए हैं और देश के लोगों को स्वस्थ मनोरंजन दिया है। जी टीवी ने पहली बार भारत के परिवार को एक साथ बैठकर टीवी देखना सिखाया और इस दौरान जी टीवी ने कभी अपने संस्कारों से और अपनी प्रोग्रामिंग से समझौता नहीं किया। हमने अपनी भारतीयता को कभी नहीं छोड़ा। आपको जी टीवी देखते हुए हमेशा यही एहसास हुआ होगा कि आप भारत के एक मिडिल क्लास मध्यम वर्ग को देख रहे हैं, उनकी कहानियों को देख रहे हैं, उनके छोटे बड़े सपनों के साथ अपने सपनों को जी रहे हैं। और यही वजह है कि जी ने भी अपने भारतीय सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। जी टीवी दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है और इसके दर्शकों की संख्या कई 100 करोड़ है। जी टीवी भारत के ताज में जड़ा एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जिस पर हमेशा से विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर रही है। आपको याद होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1000 साल पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने, फिर मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा और आज अब ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां आज की ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी हैं और इन सब के निशाने पर है आपका अपना जी टीवी। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल मीडिया कंपनियों ने भारत के लगभग हर बड़े चैनल को या तो खरीद लिया है या अपनी जेब में डाल लिया है। अब एक ही बड़ा चैनल ऐसा बचा है जो पूरे तरीके से आज भी भारतीय है, जिसे एक भारतीय ने शुरू किया और आज भी उस चैनल को भारत का ही एक परिवार सफलतापूर्वक चला रहा है और इस चैनल का नाम है जी टीवी, जिसे शेयर बाजार की भाषा में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी जील कहा जाता है और आप इसे जी टीवी के नाम से जानते हैं। आज से 29 साल पहले 2 अक्टूबर 1992 को सुभाष चंद्रा ने जी टीवी की स्थापना की थी और आज 71 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्रा एक और युद्ध के मैदान में हैं, क्योंकि जी टीवी का एक बड़ा विदेशी निवेशक अब जी टीवी का मैनेजमेंट अपने हाथों में लेना चाहता है और यह लड़ाई असल में कंपनी के शेयर्स या कंपनी के स्टॉक्स की नहीं है, यह लड़ाई आत्मसम्मान की है और भारत के सबसे बड़े मीडिया ब्रांड को बचाने की है। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.